रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ ताबड़तोड़ पारी खेलने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने शार्दुल ठाकुर की खूब तारीफ की। करनी भी चाहिए, काम भी ऐसा किया है। किसी ने कहा उनमें आंद्रे रसल की आत्मा आ गई थी, तो किसी ने कहा शार्दुल वर्ल्ड कप टीम में अपनी जगह पक्की कर रहे हैं। इसी बीच एक ऐसा स्टार्ट सामने आया है जो हर इंडियन क्रिकेट फैन को चौंका देगा। IPL 2008 में शुरू हुआ था। MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सुरेश रैना, जाने कितने भारतीय बल्लेबाजों ने इस टूर्नामेंट में झंडे गाड़े और फैंस को एंटरटेन किया, साथ साथ ढेर सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए। विराट रोहित ने ढेर सारे रन्स बनाए हैं। वहीं हार्दिक पांड्या, MS धोनी ने न जाने अपनी टीम को कितने मैच जिताए हैं। पर अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो शार्दुल ठाकुर इन सबको पीछे छोड़ गए हैं। थोड़ा और डिटेल में जान लीजिए, ये स्टैट सिर्फ भारतीय बल्लेबाजों से जुड़ा हुआ है। 20 से ज्यादा पारी खेले हुए बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट किसका है? विराट, रोहित, धोनी, हार्दिक, इनमें से किसी का नहीं। थोड़ा और सोचकर आप बोलेंगे शायद राहुल त्रिपाठी या सूर्य कुमार यादव, पर नहीं, इनमें से भी कोई नहीं। कम से कम 20 पारी खेलने वाले बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट वीरेंद्र सहवाग का है। इस लिस्ट पर दूसरे नंबर पर शार्दुल ठाकुर है। वीरूपाजी ने IPL में 104 मैच खेले हैं और उन्होंने हर मैच में बैटिंग की है। इस दौरान उनका औसत 27.56 और स्ट्राइक रेट 155.44 का रहा है। इस लिस्ट पर दूसरे नंबर पर शार्दुल है। 31 साल के शार्दुल ने 77 मैच में 26 पारी खेलकर 150 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। 20 से ज्यादा पारियों में 150 से ज्यादा स्ट्राइक रेट रखने वाले सिर्फ यही दो बल्लेबाज है, यानी जब आते हैं विकेट की फिक्र किए बिना कोर्ट कर जाते हैं। मैच का हाल भी बता देते हैं। 6 अप्रैल को IPL में RCB का सामना KKR से हुआ। इस मैच में KKR 89 रन पर 5 विकेट गवा चुके थे। आंद्रे रसल भी आउट हो चुके थे, लेकिन असली पिक्चर अभी बाकी थी। शार्दुल ने मैदान पर उतरते ही कोहराम मचा दिया और महज 20 गेंदों पर अपनी 50 पूरी कर ली। उन्होंने 26 गेंदों पर 68 रन की धुआंधार पारी खेली। इसकी बदौलत KKR का स्कोर 200 के पार पहुंच गया। जवाब में विराट कोहली और फाफ डु प्लेसी ने अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाई, लेकिन जैसे ही सुनील नरेन ने विराट कोहली की विकेट निकाली, RCB की टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई। RCB 17.4 ओवर में 123 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। शार्दुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है पुनीत ने, मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।